नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एस्टाउंडिंग स्फीयर। दोस्तों, आपने समुद्र के विशाल हिस्सों पर अनेक द्वीप और टापू देखे होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भूमि के ऊपर भी द्वीप मौजूद होते हैं, जिन्हें कहा जाता है नदी द्वीप। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही द्वीप की जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और जो भारत में स्थित है। उसका गौरव है और उस द्वीप का नाम है माजोली। दो नदियों के बीच की भूमि को माजोली कहा जाता है, इसी वजह से इसका नाम माजोली पड़ा। दोस्तों, असम में स्थित ये द्वीप ब्रह्मपुत्रा, खेरकुटिया और सुबनसिरी के संगम से बना है। 2016 में माजोली भारत का सबसे पहला टापू वाला जिला बना। बड़े ही आश्चर्य की बात है, सुंदर रतन माजोली का क्षेत्रफल 1250 वर्ग किलोमीटर से घटकर मात्र 352 वर्ग किलोमीटर ही रह गया है। ब्रह्मपुत्रा नदी में बदलते वेग और मॉनसून में बाढ़ के कारण ये द्वीप लगातार आकार बदलता रहता है। आप जानकर हैरान होंगे कि आप कभी भी यहाँ का नक्शा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब तक आप इसे नक्शे पर उतारेंगे तब तक इसका आकार ही बदल चुका होगा। फिर भी यहाँ के लोग इस परिवर्तन को जीवन अनुरूप बना लेते हैं। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि लगातार बढ़ते तापमान और बढ़ते समुद्र स्तर के कारण इस टापू का अधिकांश हिस्सा ब्रह्मपुत्रा नदी की चपेट में आ चुका है और आने वाले कुछ ही सालों में यह टापू पूरी तरह से द्वारका की तरह विलुप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि ये द्वीप पूरी तरह से पानी में डूब जाए, तो हम मौका न गवाते हुए चलते हैं माजोली की सुरम्य यात्रा पर। 13 किलोमीटर चलने के बाद हम असम के जोहरात जिले से निमाती घाट पहुंचते हैं। अब यहां से 1 घंटे की फेरी यात्रा हमें कमलबेरी घाट पहुंचा देगी, जो माजोली में रुकती है। दोस्तों, माजोली अपने समय से बहुत पीछे है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 2009 तक माजोली में मोबाइल फोन्स, सड़कें या ब्रिजेस का कोई भी नामोनिशान नहीं था। तो अगर आप बीते समय की धारा में खो जाना चाहते हैं, तो यहाँ एक बार जरूर आइए। काफी श्रद्धालु यहाँ घूमने आते हैं, क्योंकि माजोली में श्री भगवान विष्णु को समर्पित कुछ मठ हैं, जो सतर्य नृत्य संस्कृति का प्रतीक माने जाते हैं। भावना नामक एक सांस्कृतिक नाटक है। इसमें रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं के अंश दिखाए जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा दूसरी नृत्य शैलियां जैसे नटुआ, दशावतार, ओजापल्ली, अंकिया नाट में भी भारतीय संस्कृति की झलक दिखती है। आओ अब चलते हैं असम के स्वर्ण मंदिर में, जिसका नाम है तेंगापानिया, जो ब्रह्मपुत्रा के किनारे स्थित है और इसकी असीम गाथा का बखान करता दिखाई देता है। दोस्तों, माजोली के अधिकतर लोग मिश्मी आदिवासी समुदाय के हैं। इसकी अमूल्य और समृद्ध संस्कृति यहाँ के लोगों में भी बसी है। इसका इतिहास नृत्य और रंगमंच की कला को संजोए हुए है। नवंबर महीने में माजोली के लोग पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु पर आधारित रासलीला का आयोजन करते हैं। दोस्तों, माजोली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं और इसमें घूमने का सही समय है अक्टूबर से दिसंबर का महीना, क्योंकि असम का जीवंत सांस्कृतिक दृश्य इसी समय देखा जा सकता है। दोस्तों, माजोली का एक बहुत ही प्रसिद्ध और दार्शनिक त्योहार है फाकुआ, जो बिल्कुल होली की तरह ही मनाया जाता है। माजोली में खाने के प्रसिद्ध व्यंजनों में शामिल है गाओरी पीठा और अपोंग, जो एक चावल से बनी बियर है। तो चलिए दोस्तों, शॉपिंग के लिए यहाँ की फेमस मार्केट जंगराई मुख चलते हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध है मिर्जिम शॉल और मिट्टी के बर्तन, जिनकी खास बात यह है कि इन्हें कुमार खुद अपने हाथों द्वारा बनाते हैं, किसी भी पहिए की सहायता के बिना। दोस्तों, माजोली की प्रसिद्ध जगहों में से एक नाम आता है मोलाई के जंगल का भी, जो एक बंजर भूमि पर बना मानव निर्मित जंगल है, जिसे जाधव मोलाई पयांग यानी फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया ने अपने 30 सालों के कठिन प्रयासों से जंगल में बदल दिया है। दोस्तों, माजोली में प्रकृति और संस्कृति के बीच सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है और माजोली हर जीव के रहने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है।
दोस्तों, हर साल यहाँ तिब्बत और साइबेरिया से प्रवासी पक्षी सर्दी के मौसम में घूमने आते हैं और इनकी काफी प्रजातियां यहाँ देखने को भी मिलती हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो देख लिया, तो अब हम आपको लेकर चलते हैं विश्व के सबसे छोटे नदी द्वीप पर। और हैरानी की बात तो ये है कि ये भी भारत के असम राज्य में ही है और माजोली से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच ही स्थित है। मोर की पंख की तरह दिखाई देने वाला ये नदी द्वीप है पीकॉक आइलैंड, जिस पर ओहम के राजा गदाधर ने 1694 में उमानंदा मंदिर बनवाया था और इसीलिए इस द्वीप को उमानंदा द्वीप भी कहा जाता है। इसके पीछे एक कहानी है। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार शिवजी ने इस द्वीप को अपनी पत्नी उमा की खुशी और आनंद के लिए बनाया था। शिव और पार्वती के मिलने का स्थान भी इसे कहा जाता है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार कामदेव ने जब शिव का ध्यान भंग किया तो शिव ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया, जिस कारण इस द्वीप को भस्माचल भी कहा जाता है। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन के बाद उमानंदा मंदिर में जाना अनिवार्य है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यदि किसी भी कारण मंदिर डूबता है तो पूरा गुवाहाटी ही डूब जाएगा। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपने इस वर्चुअल ट्रेवल का खूब आनंद लिया होगा। तो अब आपके लिए भी एक सवाल, तो बताइए भारत के अलावा वो कौन सा ऐसा देश है जहाँ गोल्डन लंगूर पाया जाता है? आप अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पिछली वीडियो के सवाल का जवाब है स्पेन, जिन्हें आदित्य, दीपिका, डॉक्टर नसीर, राजविन, डेडमैन, प्रभजोत ने दिया। फ्रेंड्स, हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल एस्टाउंडिंग स्फीयर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।